वो थ्री हेडेड जायंट ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। पत्थर उस बीच में उसने सब कुछ तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। पत्थर वो सब कुछ तोड़ रहा था, जो सामने आ रहा था वो कुछ तोड़ रहा था। उसने सोच लिया वो दुनिया तबाह करके रखेगा। उसका गुस्सा इतना खतरनाक था, आसपास का चीज जीव जंतु सब भाग रहे थे उसका गुस्सा देख के। और उसका थ्री हेडेड में इतना पावर था, वो सब कुछ एक एक बड़ा चट्टान एक हाथ से गिरा सकता था। पुत्र वो इतना पावरफुल था, एक थ्री हेडेड जायंट ड्रैगन। पुत्र उसपे हराने वाला एक ही बंदा था, वो है गॉडज़िला। वो पानी से बाहर आया पुत्र, हजार साल के बाद वो आने के बाद बड़ा एकदम गॉडज़िला था। बहुत ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा जायंट और उसके और बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक था। पुत्र सुना है ब्लू कलर का जो भी जान बढ़े वह उसे दिखाई देता है हर रोज। अरे पानी से बाहर आते ही वो खतरनाक टाइप का थ्री हेडेड जायंट ड्रैगन को ढूंढ रहा था मारने के लिए। पुत्र फाइनली थ्री हेडेड जायंट ड्रैगन के साथ गॉडज़िला का फाइट हुआ। उस फाइट में गॉडज़िला को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा, मगर गॉडज़िला हार नहीं माना। गॉडज़िला लड़ते रहा उससे। गॉडज़िला को बहुत ज्यादा गंदरा मारा गया था। थ्री हेडेड जायंट ड्रैगन वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, वो मारता ही गया गॉडज़िला को बहुत ज्यादा गंदरा। तब गॉडज़िला ने थाम लिया था, मैं मारूंगा तो इसको लेके मारूंगा पुत्र। उसके बाद वो गॉडज़िला बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो आके खतरनाक टाइप का थ्री हेडेड ड्रैगन को ये पकड़ा, ये दबोचा, ये पकड़ के बहुत ज्यादा गंदरा मारा पुत्र। उसके बाद वो थ्री हेडेड ड्रैगन को अपने साथ पानी में लेके चला गया बहुत ज्यादा गहराई में। सुना है रात में उसका आवाज पूरे शहर में अभी तक घुसता है पुत्र, अभी तक घुसता। यह है गॉडज़िला की कहानी पुत्र। सब पुत्र आज का कहानी यहीं पे खत्म होता है पुत्र। अरे यार एक नंबर कहानी था यार, क्या ही मजा आ गया रे। ओ यार अरे मैं गिर गया रे भाई, क्या खतरनाक गॉडज़िला था, मेरे सुन में एकदम हो गया रे, कितना खतरनाक गॉडज़िला था गाइस वो। पुत्र अभी कल मैं जा रहा हूँ, और एक बात, जब ब्लू कलर का एनिमल ही सिर्फ उनसे वो गॉडज़िला को देख सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ से पुत्र। ऑल राइट गाइस, भाई क्या ही खतरनाक टाइप का कहानी था गाइस, मैं तो गॉडज़िला का फुल फैन बन चुका हूँ। अरे यार गाइस मेरे को भी एक खतरनाक टाइप का गॉडज़िला बनना है। अबे यार तू ना हर जगह, अबे यार तू पागल है क्या, वो गॉडज़िला तुझसे हजार लाख गुना बड़ा है यार, तू कैसे बनेगा गॉडज़िला यार, ये सब कहानी में सही है। अरे नहीं यार दद्दू ने क्या कहा पता है, बोले जो ब्लू कलर का एनिमल है सी वो गॉडज़िला को देख सकता है। यार मेरा कलर देख ले तो मैं तो ब्लू कलर के एक एनिमल हूँ, मेरा फैमिली लोग का कलर भी एकदम ब्लू है, मतलब हम गॉडज़िला को देख सकते हैं। अरे यार ये तो मजा लेने के लिए बोल दिया था, मजा लेने के लिए बोल दिया था दद्दू जी तेरे को। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता रे, जाके खा के सो जा। अबे यार तू मेरी बात नहीं मानेगा। अरे अरे पुम्बा इसको कुछ बोलना रे, सच में गॉडज़िला होता है अभी तक। अबे पागल है क्या, वो 10,000 साल का बाद का कहानी है, बहुत ज्यादा साल पहले का कहानी है यार। सो गाइस दद्दू जी ने इतना तो कहा है ना, जो ब्लू कलर का चीज ब्लू कलर का एनिमल ही सिर्फ गॉडज़िला को देख सकते हैं। गाइस मैं तो ब्लू कलर का हूँ गाइस, मैं आज जाके आई थिंक गॉडज़िला देख पाऊँ। अबे यार तू पागल हो चुका यार, तू सच में तेरे जैसा बदमाश एक भी नहीं है यार। अबे यार जब मैं देखूंगा ना गॉडज़िला तब तेरे को बताऊंगा, उसके बाद तू भी चौंक जाइयो। अबे तू पागल हो चुका है क्या, गॉडज़िला इतना बड़ा होता है क्या, तेरे को एक बार में खा लेगा तेरे को जब देखेगा। भाई बात तो सही है भाई, गॉडज़िला जब मेरे को देखेगा तो मार भी सकता है ना मेरे को। भाई ये तो बहुत ज्यादा डरने वाली बात हो गई यार। ठीक है दोस्तों जी कल मिलते हैं, ओके चलो भाई फटाफट घर चलते गाइस। ऑलराइट गाइस मुझे गॉडज़िला का कहानी एकदम बढ़िया लगा। सो गाइस मुझे लगता है गॉडज़िला सच में अभी तक होता है। दद्दू जी ने कहा था रात में गॉडज़िला बहुत ज्यादा जोर जोर से एकदम चीखता है और उसका चीख का आवाज पूरे शहर में सुनाई देता है। गाइस मैंने तो सुना है गाइस, आज लगता है गॉडज़िला देख पाऊ। गाइस आज मैंने सोचा है आज गाइस पूरी रात जागूंगा मैं, काश मेरे को गॉडज़िला देखने मिल जाए। गाइस गॉडज़िला देखने का गाइस पूरा मेरा पूरा मन है। और दद्दू जी ने तो कहा ये, मैं तो ब्लू कलर का एनिमल हूँ ना, मैं तो देख ही सकता गॉडज़िला को। अरे मम्मी ये रहा, अरे मॉम आज क्या खतरनाक टाइप का कहानी सुनने मिला हम लोगों को, एक गॉडज़िला की कहानी, बहुत ज्यादा खतरनाक गॉडज़िला था वो। अरे बेटा ये गॉडज़िला कुछ नहीं होता बेटा, चुपचाप चल घर चलते, तू भी ना तेरे दद्दू जी ना उल्टा सीधा सब बोलते हैं तेरे को सब, ये सब कहानी ठीक है बेटा, असलियत में कुछ नहीं होता। अरे यार मॉम भी मेरी बात नहीं मान रहा। सो मॉम देखना आज रात में जब गॉडज़िला देखूंगा ना तब तुमको बताऊंगा गॉडज़िला सच में होता है। मॉम यहाँ से घर का रेस लगाना चाहते हो, जो आगे जाएगा वही सबसे तेज, ओके। हाँ बेटा तुम कभी नहीं जीत पाओगे हमसे, तुम 5 बार हार चुके हो। ठीक है इस बार तो मैं जीत जाऊंगा, चलो 1 3 भागो भाई फटाफट भागते। गाइस थोड़ा तो मैंने चीटिंग किया है, मॉम उस तरफ से बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है, मुझे फटाफट इस तरफ से भागना है। गाइस आई होप इस बार मैं पहले पहुंचा हूँ घर,
उसके बाद गाइस मैं सबसे तेज बन जाऊंगा। एक मिनट गाइस, यहाँ पे तो चढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। चलो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है गाइस, कहाँ से चढ़ू मैं। चलो धीरे 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 हो जाएगा, लगता है गाइस मैं जीतने वाला हूँ। मॉम तो अभी तक नीचे, फटाफट गाइस भागता हूँ, लगता है गाइस मैं जीतूंगा। गाइस हम तो ब्लू फैमिली है ना, हमारा हम सब बहुत ज्यादा स्पीड में दौड़ पाते हैं। भाई फटाफट गाइस दौड़ता हूँ, एक मिनट, शिट गाइस नीचे गिर गड़ रहे, बचा ले रहे भाई। ऑल राइट गाइस मैं तो फाइनली घर पहुंचने वाला हूँ। चलो गाइस यहाँ से फटाफट भागते हैं। लव ऑल राइट गाइस मैं घर पहुंच गया। अरे बेटा बोला ना, तुम मेरे को कभी हरा नहीं पाओगे बेटा, तुम मेरे आओगे पे तुम्हारी मॉम हूँ यार। अरे यार बात तो सही है यार, मैं हर बार कैसे हार जाता हूँ गाइस, मैं तो कितना तेज अकलमंदी से दौड़ता हूँ। अरे बेटे सब कुछ नहीं होता, ठीक है रात होने वाला है बेटा, फटाफट सोना पड़ता है, रात भी हो चुका है, तुम्हें कल फटाफट सुबह उठना है, स्कूल भी जाना है। तुमने आज स्कूल छुट्टी की है? यार गर्मी की छुट्टी है भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया होता है भाई, फिर से स्कूल जाना पड़ेगा भाई, अच्छा नहीं लगता। चलो गाइस मॉम तो सो गया, गाइस फिर से सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ेगा। एक मिनट गाइस, आज तो मुझे पूरी रात जागना है गाइस, मुझे तो आज गॉडज़िला देखना है गाइस, मैं आज पूरी रात जागूंगा, मैं आज सोऊंगा नहीं भाई। मॉम तो सो गया तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, थोड़ा नाटक करके ना सो जाते हैं। रात के 1-2 बजे उठेंगे भाई, उठने के बाद भाई गॉडज़िला ढूंढेंगे भाई, कहाँ पे गॉडज़िला मिलेगा। चलो गाइस फटाफट नाटक करके सो जाते हैं। यहाँ से भाई पूरा एकदम क्लियर सूरज दिखता है हम लोगों को, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। चलो गाइस फिलहाल के लिए छोटा गुड नाइट। ऑल राइट गाइस, भाई मेरा थोड़ा आँख लग गया इसलिए गाइस मैं सो गया हूँ। आई थिंक गाइस अब तो रात के 3 बज चुके हैं। सो गाइस मुझे क्या गॉडज़िला देखने मिलेगा? लगता है इस कहानी में सब है, असलियत में गॉडज़िला फॉडज़िला कुछ होता नहीं है, मुझे इतना लगता है गाइस। मेरा बात कोई नहीं मान रहा, मतलब गाइस असलियत में कोई गॉडज़िला नाम का कुछ चीज नहीं है, वो सब कहानी में आई थिंक सब है। चलो गाइस फिलहाल के लिए ढूंढते, मिलता है तो बहुत ज्यादा बढ़िया। ब्लू कलर का एकदम लायन है गाइस, हम लोगों को गॉडज़िला दिख सकता है। जब गॉडज़िला असलियत में होगा ना तब तो मेरे को दिखेगा ना। एक मिनट गाइस, ये कौन सा चीज है? एक मिनट गाइस, ये तो एक असली गॉडज़िला है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? रात के 3 बजे गॉडज़िला होता है क्या भाई? इनसे बात करने का ट्राई करूँ। अरे गॉडज़िला जी मेरे एक बात सुनोगे भाई? ये सच में कितना बड़ा है भाई, ये कहानी में जितना बताया है भाई उससे भी बड़ा लग रहा है मेरे को। हाँ बेटा, मैं असलियत में गॉडज़िला हूँ, मुझे एक मदद की वजह से यहाँ पे तुम्हारे पास आना हुआ बेटा। पहली बात, तुम ब्लू कलर का लायन हो बेटा, इसलिए तुम मेरे को देख सकते हो बेटा, और तुम्हारी फैमिली भी मुझे देख सकता है बेटा, बट बाहर का कोई आदमी मुझे नहीं देख सकता क्योंकि उन सब का कलर अलग होता है बेटा। मुझे तुमसे एक बहुत ज्यादा बड़ी मदद चाहिए बेटा। ऑल राइट गाइस, ये गॉडज़िला मेरे से बात कर रहा है भाई, आज का दिन भाई एक नंबर है भाई, मुझे तो गॉडज़िला देखने मिला, बहुत बढ़िया। उसके बाद गॉडज़िला मुझसे बात भी कर रहा है उल्टा। ओ शिट गाइस, आज लगता है गाइस मैं सपना देख रहा हूँ क्या? मेरे को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा गाइस, ये सपना नहीं है तो एक बार यस कमेंट करो गाइस, मैं तो अभी से पागल हो रहा हूँ। एक गॉडज़िला मेरे सामने है, वो भी बात कर रहा है। ओए गॉडज़िला को मुझसे मदद चाहिए मुझसे भाई, आज तो गाइस एक नंबर लक है। बेटा तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें अपग्रेड भी कर दूंगा एक अच्छे खतरनाक लायन में, मेरे पास इतना पावर है बेटा। ऑल राइट गाइस, ये गॉडज़िला मेरे को अपग्रेड करने के बाद भी कर रहा है, शिट गाइस मैं तो आज भाई खुशी के मारे मर जाऊंगा। गाइस ये सच में हकीकत में हो रहा है तो एक बार यस कमेंट करो गाइस, मुझे इतना लगता है सपना ना हो जाए, असलियत में गॉडज़िला मेरे सामने खड़ा है, अब ऊपर से बात कर रहा है मुझसे। बेटा मेरा काम तो सुन लो बेटा, तुम खुशी के मारे पागल हो रहे हो बेटा, मेरा काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक पावरफुल लायन बदल दूंगा बेटा। ऑल राइट गाइस, अरे गॉडज़िला जी आपका काम क्या बताओ, मुझे जो भी काम बोलोगे मैं फटाक से करके ले आऊंगा, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए गॉडज़िला जी, जो भी बताओ जो भी करना है। 1000 साल पहले मुझे 3-हेड ड्रैगन से लड़ना पड़ा बेटा, उस लड़ाई के चक्कर में मेरा कीमती चीज उस पानी के अंदर गहराई में चला गया बेटा। तुम्हें समुंदर के गहराई में जाके एक पोर्टल मिलेगा बेटा, उस पोर्टल के अंदर घुसने के बाद तुम्हें उस कीमती चीज मिलेगा, वो कीमती चीज है एक बॉक्स, वो सफेद कलर का बॉक्स है बेटा। बॉक्स मिलने के बाद तुम गलती से भी बॉक्स ओपन कर दिया तो तुम मारे जा सकते हो बेटा, इसलिए बेटा तुम बॉक्स लेके सिर्फ रात को 2 बजे मेरे से फिर से मिलना और बॉक्स मेरे को दे देना, उसके बदले बेटा मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा एक अच्छे खतरनाक एक लायन में, उसके बाद तुम यहाँ का राजा भी बन सकते हो बेटा। ऑल राइट गाइस, मेरे को बात समझ आ गया भाई, गॉडज़िला जी का ना बहुत टाइम पहले एक फाइट हुआ था, जो फाइट बता रहे हैं भाई असलियत में वो फाइट हुआ था, और उस फाइट के अंदर गॉडज़िला जी का एक व्हाइट कलर बॉक्स पानी के गहराई में चला गया भाई साहब। ठीक है गॉडज़िला जी, मैं आपका काम कर दूंगा। ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, गॉडज़िला जी भी चले गए भाई सब, सच में गॉडज़िला से मैं आज मिला गाइस। सो गाइस मुझे भूलना नहीं है, मुझे सुबह सुबह उठ के उनका काम करना है गाइस, पानी के अंदर उस समंदर के अंदर एक बॉक्स गिरा है उनका व्हाइट कलर का, वो बॉक्स मुझे लेके उनको देना है। चलो गाइस आज के लिए फटाफट जाके सो जाते हैं गाइस, सुबह सुबह मैं मॉम को बताऊंगा, मेरे दोस्त लोग को बताऊंगा भाई, सब देख के भाई चौंक जाएंगे मैं गॉडज़िला से मिला। और शिट गाइस ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में बहुत जोर से गिर गया। ऑल राइट गाइस फटाफट आज के लिए सो जाते हैं।
गुड नाइट। ऑलराइट गाइस, फाइनल सुबह हो गया। अरे बेटे कितने सो गए, आज दोपहर हो चुकी है, स्कूल भी जाना है। तुमने आज स्कूल छुट्टी क्यों की? तुम्हें 7 बजे तुम्हारा स्कूल था, तुमने 12 बजे उठा। अरे मॉम ये सब छोड़ो, स्कूल छोड़ो, मैं तो अपग्रेड होने वाला हूँ। आपको पता है यार, कल मैं किससे मिला आपको पता है? गॉडज़िला से। गॉडज़िला ने मेरे को बहुत बढ़िया काम बताया। गॉडज़िला ने बताया मेरे को उनका एक काम करना पड़ेगा, पानी के अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स को मुझे ले आना पड़ेगा, उसके बाद वो मेरे को अपग्रेड कर देंगे। और पहली बात मैं गॉडज़िला से मिला, गॉडज़िला मुझसे बात भी कर रहा था। मॉम बॉक्स को ले आना है, ओके मैं फटाफट यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा काम है। ऑल राइट गाइस, आप तो मैं भाई अपग्रेड भी होने वाला हूँ, ऊपर गॉडज़िला से फिर से मिलने वाला हूँ भाई साहब। अरे आजकल के बच्चे ना ज्यादा कहानी फानी में ज्यादा ही सब सुन लेते हैं। अरे दद्दू जी क्या सब कहानी सुनाते हैं भाई, एक कहानी सुन के सच में पागल हो चुका है सब बच्चे लोग। ठीक है फटाफट जाके मैं शिकार करके ले आता हूँ, खाना तो है ही। ऑलराइट गाइस, फिलहाल के लिए मैं जंगल पे आ चुका हूँ। गाइस मुझे अपने 200 लोगों को बताना है, टिल्लू को, पुम्बा को, भाई दोनों को जब बताऊंगा भाई दोनों चौक जाएंगे। भाई मेरा तो बहुत ज्यादा मजाक, भाई मेरा तो पहले बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे थे भाई, गॉडज़िला फॉडज़िला कुछ नहीं होता, ये सब कहानी में होता है, ये सब गलत होता है। अभी मैं बताऊंगा गाइस, मैं तो ब्लू कलर का लायन हूँ इसलिए मैंने देख पाया गॉडज़िला को। गॉडज़िला जी ने सामने से मेरे को ये बात बताया है गाइस, मैं तो भूलने वाला तो नहीं हूँ गाइस, मेरे को पूरा याद है। चलो गाइस फटाफट जाते हैं उन सब के पास, सबको बताते मैं गॉडज़िला से मिला। गाइस मैं तो बहुत ज्यादा चलो फटाफट भाई ये सब कहाँ पे गए। अरे पुम्बा टिल्लू आज पता है भाई, आज मेरे साथ बहुत ज्यादा खतरनाक कांड हो गया भाई, देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई। क्या हुआ पता है? अरे यार तू मेरे को मार डालेगा यार, तू भाई रुक जा एक जगह रुक जा, उसके बाद बताना क्या हुआ तेरे साथ यार, तू कब रुकेगा यार। अबे यार आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज मेरा सपना पूरा हो चुका है भाई। क्या हुआ पता है? अरे क्या हुआ पता है? क्या हुआ पता है? साला तेरा सर खा लूंगा मैं, साला मेरा दिमाग खराब कर रहा है तू सुबह सुबह आके, क्या हुआ बोल। अरे मैं कल रात गॉडज़िला से मिला, तेरे को पता है गॉडज़िला? अरे पुम्बा इसका कुछ बोले पागल हो चुका है कहानी सुनने के बाद। हम दोनों तो कहानी भूल भी चुके हैं, साला पागल हो चुका है, कहानी के पीछे पड़ा है। सिम्बा तू सच में पागल हो चुका है, तेरे जैसा बहुत दिमाग एक भी नहीं है रे सिम्बा। अरे गाइस ये सब बात नहीं सुन रहे मेरा भाई, सच में मिला था भाई गॉडज़िला ने, मैंने कोई काम भी बताया था भाई। प्लीज प्लीज तुम दोनों मेरे साथ चलो ना, उसके बाद मैं उनका काम कर दूंगा तो मेरे को अपग्रेड कर देंगे, और मैं अपग्रेड होने के बाद यहाँ का राजा भी बन सकता हूँ। गाइस मैं जब राजा बन जाऊंगा ना, तुम लोगों का भाई फुल मौज कर सकते हो, तो सोच लो मेरा साथ कौन देगा। अरे मैं तो नहीं देने वाला, मुझे घर जाना है, मुझे मम्मी का कुछ काम में हाथ लगाना है, मैं तो ये सब में नहीं पढ़ने वाला। बड़ा यार गॉडज़िला देखने मिला था गॉडज़िला। ऑलराइट गाइस पुम्बा तो चला गया, पुम्बा भाई क्या बताए पुम्बा को। अरे टिल्लू यार तू तो भाई मेरी मदद कर देना भाई, हम सच में भाई सच में अपग्रेड होने वाला हूँ भाई वो काम करने के बाद। यार पहली बात तू गॉडज़िला से मिलने वाला है भाई, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लेना, मेरे साथ चलना यार प्लीज यार। अरे सब कहानी में होता है यार, तू लगता है आज कल तूने सपना देखा है, बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का सपना देखा है। गाइस ये बोल रहा है तूने सपना देखा है, गाइस आप एक बार कमेंट करके बताओ ना असलियत में हुआ था मेरे साथ क्या सपना हुआ था भाई, मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ गाइस, मैंने सपना क्या देख लिया गलती से। अरे तूने सपना ही देखा है, तेरे दोस्त लोग को बोलना सपना देखा तो यस कमेंट करने बोल, और सपना नहीं देखा तो नो कमेंट करने बोल। सो गाइस आपके हाथ में है, सो गाइस मैंने सपना देखा तो नो कमेंट करो, और असलियत में गॉडज़िला में उसे मिलने आया तो यस कमेंट करो। एक मिनट गाइस सब तो यस कमेंट कर रहे हैं भाई, सच में मेरे साथ हकीकत में हुआ था। अरे अरे टिल्लू आज तुझे मेरे हेल्प करने पड़ेगा, फटाफट मेरे पीठ में चढ़ जा भाई, आज तो ढूंढ ही लेंगे। अरे ठीक है यार चल, तेरे व्यूअर्स लोग बोल रहे हैं तो चल। ऑलराइट गाइस टिमोन को लेके तो मैं फटाफट जा रहा हूँ समुद्र के गहराई में, और गाइस वो पोर्टल को ढूंढूंगा, पोर्टल को ढूंढने के बाद गाइस मुझे मिल ही जाएगा व्हाइट बॉक्स। चलो गाइस फटाफट। अरे यार ये सब हकीकत में? अबे यार हकीकत में सच में हुआ था, तू जब मेरे सामने भाई तू जब गॉडज़िला से मिलता है ना भाई तू भी चौंक जाता भाई, क्या ही खतरनाक और क्या ही जायंट था भाई। दद्दू जी ने जैसे ही बताया था पूरा सेम टू सेम था, बहुत ज्यादा बड़ा, और उसके पीठ में भाई क्या ब्लू कलर का लाइट जल रहा था, बहुत ज्यादा सही लग रहा था। अरे टिल्लू रेडी हो जा, सांस बंद कर ले अपना, फटाफट हम पानी के अंदर घुसने वाले। ऑलराइट गाइस पानी के अंदर तुम घुस चुके हैं। अबे तू नाक मुंह सब बंद करना, मैं तो पानी के अंदर सांस ले सकता हूँ, तू मुंह बंद रख। मैं फटाफट गाइस कोई पोर्टल ढूंढता हूँ, फटाफट उसके अंदर घुसता हूँ, नहीं तो गाइस टिल्लू का हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। सो गाइस वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता गाइस, हम तो ब्लू, सो गाइस हम लोग ब्लू फैमिली से, इसलिए गाइस हम लोगों के पास अलग अनोखा अनोखा पावर है। फिलहाल के लिए गाइस मुझे पोर्टल नहीं दिख रहा। एक मिनट गाइस वहाँ पे कौन सा चीज चमक रहा है, चलो गाइस फटाफट वहाँ पे जाके देखते हैं। खाई मुझे लगता है वही पोर्टल है, चलो गाइस फटाफट चलते हैं। अरे यार कुछ कर मेरे को, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ कर यार मैं मर जाऊंगा यार।
अरे रुक ना, मैं तेरे को मरने नहीं दूंगा यार, फटाफट मुझे को ढूंढने दे, पोर्टल कहाँ पे गया, मैंने तो देखा भी इसी वक्त। अरे यार मेरे को तो अभी तो कुछ एक मिनट अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शिट गाइस, वो रहा लगता है। ऑलराइट गाइस, वही है पोर्टल। फटाफट गाइस पोर्टल के अंदर मैं जाके घुस जाता हूँ। अरे टिमोन रेडी है, स्टिल रेडी है ना, 1 2 एंड गाइस यही पोर्टल है ना गाइस, मेरे को अभी डर लग रहा है। ठीक है फटाफट घुस जाता हूँ। ऑलराइट गाइस, हम लोग गुफा पे आ चुके हैं। भाई कहाँ पे आ चुके हैं टिल्लू, डर लगना शुरू हो गया। अरे यार मैं तेरे से अभी बात नहीं करूंगा यार, साले पिद्दीगई का तेरा दिमाग नहीं है, तूने मेरे को मरवा दिया था साला, साले पिद्दीगई का, तू एक नंबर का डरपोक है, मैं तेरे से नहीं मिलूंगा, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ साले पिद्दीगई का, मेरे को हर जगह फंसा देता है यार, मुझे नहीं मिलना उससे साले पिद्दी का दिमाग। हर बार ना मेरे गुस्सा दिखाता है भाई, मैं भी गुस्सा हूँ भाई, मैं भी उससे नहीं बात करूंगा। बड़ा आया तू उसे जगह जाने वाला, भाई मेरी कौन सी गलती है, मेरे को थोड़ी जगह, हम यहाँ पे आ जाएंगे गलती से भाई, ये तो पहुंचने का डरावना गुफा है। अरे सिम्बा बचा, सिम्बा बचा। एक मिनट गाइस, ये तो टिल्लू का आवाज है भाई, फटाफट उसके पास जाना पड़ेगा भाई, ये तो सच में खतरनाक टाइप का गुफा है। अरे इस गुफा के अंदर भाई टिल्लू इतना जोर जोर से क्यों चीख रहा है, गाइस लगता है उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा सीन हुआ है। गाइस मुझे फटाफट वहाँ पे जाना है, गाइस लगता है भाई टिल्लू को कुछ खतरा ना हो जाए, अभी तो गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को भी। चलो गाइस फटाफट देखते भाई क्या हो रहा है वहाँ पे, ऊपर से लाइट गाइस इतना चमक रहा है, बंद हो रहा है, उससे ही मुझे डर दो गुना हो गया भाई। एक मिनट, वो कौन सा चीज है, प्यास की आंख भाई, ये तो एक जाइंट मॉन्स्टर टाइप का लग रहा है मेरे को भाई, ये कौन सा ही चीज। अरे सिम्बा बचा, मेरे को यहाँ पे नहीं रहना, अरे सिम्बा मेरे को डर लग रहा है सिम्बा। अरे यार ये कौन सा चीज है, अरे टिल्लू तू वहाँ से भाग यार, मैं इस तरफ से भागता हूँ तू, अरे मॉन्स्टर मेरा पीछा कर दे रहा दम है तो, गाइस मैं इस तरफ भागता हूँ। अरे अरे टिल्लू तू उस तरफ से भाग जा, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा भाई, फटाफट सीधा भागता हूँ। गाइस ये खतरनाक टाइप के मॉन्स्टर है, हमारे पीछे पड़ गया शेड गाइस, इतना डेंजर वाला मॉन्स्टर रहेगा यहाँ पे भाई। हम लोग एक बॉक्स ढूंढे आए थे भाई, बॉक्स तो ऊपर से नहीं मिल रहा भाई, यहाँ पे अब रास्ता खत्म हो चुका है गाइस, आज तो गया काम से मैं। भाई ये क्या बता रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे यार मुझे सिम्बा को बचाना पड़ेगा, मेरा दोस्त है, एक मिनट एक हथौड़ा मेरा मिले को, इस हथौड़े से उसका सर फोड़ दूंगा उस मॉन्स्टर का। अरे सिम्बा रुक जा, मैं आ रहा हूँ यार, तेरा दोस्त अभी भी जिंदा है, इसके सर पे मार के पूरा सर फोड़ दूंगा। अरे यार टिल्लू मेरे को बचा ले यार, ये मेरे को मार डालेगा भाई, ये क्या बता रहा है ऊपर से मेरे को समझ नहीं आ रहा। अरे यार रुक जा, मैं आ रहा हूँ। अरे यार हाँ भाई, ये कितना मॉन्स्टर है, फिर से उठ चुका है, हम लोगों को फटाफट भाग के यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। वो बॉक्स तेरे को कोई नजर आया, व्हाइट कलर का बॉक्स? अरे नहीं यार, आस पास कोई बॉक्स नहीं मिला मुझे, हथौड़ा मिला, हथौड़ा लेके मैं तेरे पास आ गया भाई, तूने अच्छा किया मेरे को बचा के भाई, तू सच में मेरा असली दोस्त है भाई। गाइस यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। अरे तू भागते जा भाई, पीछे नहीं देखने का, वो मॉन्स्टर फिर से हम लोगों को पकड़ लेगा भाई। चलो गाइस सीधा भागते हैं। एक मिनट गाइस, क्या हो रहा है भाई, हम कौन सी जगह पे फिर से जाने वाले। एक मिनट गाइस, हम लोग तो एक भेड़िया के झुंड के बीच में आ चुके हैं अचानक से, उस गुफा से डायरेक्टली एक झुंड के बीच में आ चुके हैं। अरे गाइस ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक भेड़िया है यार। टिल्लू अब क्या होगा यार, तेरे पास जो हथौड़ा है लगता है इस हथौड़े में इतना पावर है, हम लोग दूसरी जगह पे जाने। अरे यार अब क्या होगा, मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तो मैं खत्म कर दूंगा। तुम सब कौन से एनिमल हो ब्लू कलर का, इन दोनों को दबोच के मारने का मन है। अरे हम लोगों को दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दो ये हथौड़ा। हाँ दोस्त लोग क्या देख रहे हो, मारो साले को। अरे यार हम लोग दूसरी जगह पे फिर से आ चुके हैं। अरे सिम्बा तू मेरे सामने क्या कर रहा है, अरे इतने सारे सिम्बा यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे सिम्बा इतने 5 सिम्बा मैं जितनी बार नहीं देगा भाई। ये क्या हो रहा है हमारे साथ भाई, यहाँ पे टिल्लू इतना 4 टिल्लू भाई, असली कौन है भाई, सबके पास हथौड़ा है भाई, हमसे अब बहुत ज्यादा लग रहा है, लगता है गाइस हथौड़े में इतना पावर है, हमसे हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा गाइस, हम चुके लगता है गलत जगह पे आ चुके यार। टिल्लू दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर, ठीक है। अरे प्यारे हथौड़े हमें दूसरी जगह ले चलो। ऑल राइट गाइस, हम तो समुंदर के बीच में आ चुके हैं। अरे यार हम लोग क्या काम से भाई, अब क्या हुआ, अरे नीचे तो देख ले भाई, नीचे क्या हुआ भाई, ठीक से तो बोल ले, अभी उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। एक मिनट गाइस, हम लोग तो गाइस मगरमच्छ के बीच में आगे फंस चुके भाई, हर जगह मगरमच्छ है पूरा गोल करके,
भाई हम तो गलत जगह पे आ चुके हैं, तो पूरा हर जगह मगरमच्छ है। अरे टिल्लू तूने क्या कर दिया, टिल्लू नीचे गिर गया, टिल्लू रुक मैं भी आ रहा हूँ। अरे प्यारे हथौड़े हमें दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया है। क्या काम चाह रहा है पैस की, अरे हथौड़ा कहाँ पे गया। ऑल राइट गाइस, देखो सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर है, लगता है गाइस हम आज सही जगह पे आ चुके हैं। गाइस सामने एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर है और पीछे तीन पोर्टल है गाइस हम लोग। अरे यार लगता है वही वही पोर्टल है जिस पोर्टल के घुसने के बाद हम लोग खानो खानो का जगह पे जा रहे हैं। हाँ तुम सब सही जगह पे आए हो अभी। हाँ इस पोर्टल में एक पोर्टल असली है, जो असली पोर्टल में घुसने के बाद तुम तुम्हारा घर जा सकते हो। ऊपर से तुम्हें व्हाइट कलर का बॉक्स भी मिलेगा। उससे पहले जो जो देख रहे हैं सबको सब्सक्राइब करने बोल और कमेंट करने के बोल। ब्लू सिम्बा ओपी। ऑल राइट गाइस, हम लोग एक सही जगह पे फाइनली आ चुके हैं गाइस। अभी भाई पीछे जो तीन पोर्टल दिख रहा है, इस तीन पोर्टल में एक पोर्टल असली है। उस पोर्टल के अंदर घुसने के बाद हम फिर से घर जा पाएंगे, बट असली बात तो तब हो गई गाइस। ये बोल रहा है जो जो देख रहे हो गाइस सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट करना पड़ेगा। ब्लू सिम्बा ओपी। सो गाइस भाई प्लीज प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो और ब्लू सिम्बा ओपी एक बार कमेंट कर दो गाइस, नहीं तो हम लोग घर नहीं जा सकते। गाइस मुझे घर जाना है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है भाई, जगह कौन सा है। और गाइस मुझे फाइनली वो वाइट बॉक्स मिलेगा आप जब सब्सक्राइब करोगे। ऑल राइट गाइस प्लीज प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दो। अरे यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, हम लोग दुनिया घूम चुके हैं, हमने मगरमच्छ का खाना होते होते बच चुके हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो ब्लू लायन ओपी। ऑल राइट गाइस प्लीज एक बार कर दो। एक ने सब्सक्राइब किया, बहुत ज्यादा बढ़िया, तू अब आगे जा सकता है। ठीक है चला जाओ आगे, तीन पोर्टल में एक पोर्टल असली है। ऑल राइट गाइस तीन पोर्टल के सामने तो हम लोग खड़े हो चुके हैं, बट तीन पोर्टल में एक पोर्टल असली है। अरे यार लगता है सामने वाला पोर्टल असली है सिम्बा, लगता कौन सा है, सामने वाला पोर्टल ज्यादा असली लगता है, उसने घुसने के बाद लगता है हम घर जा सकते हैं यार, लगता है तो कुछ ऐसा ही है यार। अरे सुन राइट साइड में पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं, उसमें लगता है गाइस सही हो सकता है हमारे साथ। सुन राइट साइड में मैं घुस जाता हूँ, तू फटाफट आ जा, इसमें घुस जाए ही सही होगा। ऑल राइट सिम्बा मैं आ रहा हूँ। यहाँ प्यास की आँख। प्यास की आँख, अब कहाँ पे आ चुके रे टिल्लू, अब तो देख गाइस लगता है घर आएगा क्या फाइनली। भाई लगता है हम लोग घर आ चुके हैं भाई साहब फाइनली। अरे यार दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ यार, मुझे मेरे मम्मी से भी मिलने मिलेगा यार, यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, यार हम लोग तो घर आ चुके हैं यार, मजा आ गया। ओहो, अरे यार सच में हम लोग घर आ चुके हैं भाई, एक नंबर मजा आ गया। अरे तेरे पीठ में क्या है, एक मिनट मेरे पीठ में क्या है, ये तो वही बॉक्स है जिस बॉक्स की बात गॉडजिला कह रहा था भाई साहब, फाइनली मुझे बॉक्स मिल गया गाइस, मैं तो गॉडजिला को ही बॉक्स दे दूंगा। अरे टिल्लू सुन तू फटाफट घर चला यार, मैं भी चलता हूँ मेरे घर में। सो गाइस आज रात मुझे गॉडजिला से मिलना है। ऑल राइट गाइस रात भी हो चुका है बहुत ज्यादा, गाइस घर आते आते बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ मैं, बहुत टाइम से भाई दौड़ रहा हूँ। चलो गाइस मैं तो फाइनली मेरे घर पे आ चुका हूँ, आई मीन ऊंचे चोटी पे। गाइस मुझे फटाफट जाकर थोड़ा वेट करना पड़ेगा गॉडजिला का, उसके बाद गाइस फाइनली लगते गॉडजिला आने वाला है। एक मिनट गाइस धीरे धीरे ऊपर चढ़ते, गाइस गॉडजिला क्या आया है आज, भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने तो उसके लिए एक बॉक्स भी ले आया है भाई, बॉक्स में उनका कुछ पावर कुछ होगा गाइस मेरे को पता नहीं। गाइस फाइनली गॉडजिला मेरे सामने खड़ा है। ऑल राइट गाइस, अरे गॉडजिला जी आपका ये बॉक्स है लो। तू बेटा सच में एक बहुत अच्छा राजा बनेगा, मुझे तेरे ऊपर बहुत ज्यादा फकड़ है बेटा, तू सच में बहुत ज्यादा एक अच्छा लायन है बेटा, तेरा फैमिली सबसे बढ़िया बेटा, तू एक नेक लायन बनेगा बड़ा होके बेटा, इसलिए मैं तेरे को अपग्रेड कर रहा हूँ बेटा। ए, पानी के दे यार, ना 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 ना। एक मिनट गाइस मेरे पूरे शरीर में क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, गाइस जो भी हो रहा है लगता है अच्छा ही हो रहा है। ऑल राइट गाइस लगता है मैं अपग्रेड हो चुका हूँ फाइनली गाइस, मैं तो एक पहले से बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ, ऊपर से एक खतरनाक टाइप का लायन में बदल चुका हूँ। गॉडजिला जी थैंक यू सो मच, देखो मैं पहले से गाइस बहुत ज्यादा तेज भी हो चुका हूँ। और गॉडजिला जी भाई आप तो मेरे से भी बहुत ज्यादा बड़े हो, गॉडजिला जी आप मेरे से मिलने आओगे ना हर रोज। मैं 10 साल बाद आता हूँ बेटा, तुझसे मिलकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तू एक नेक है, तो मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ बेटा। हो। ऑल राइट गाइस सुबह भी होने वाला है भाई साहब, मैंने तो गॉडजिला की हेल्प कर दिया, ऊपर से मैं अपग्रेड हो चुका हूँ गाइस, मैं तो मेरी मॉम को दिखा दूंगा भाई, मैं सच में गॉडजिला से मिला, अब तो गाइस विश्वास भी कर लेंगे मेरी बात का, क्यों गाइस मैं तो अपग्रेड हो चुका हूँ भाई, अचानक से कोई ऐसे अपग्रेड नहीं हो सकता, और मैं अपग्रेड हो चुका हूँ अचानक से बहुत ज़्यादा खतरनाक लाइन में। ऑल राइट गाइस फटाफट जाके घर चलते हैं, आई थिंक गाइस मॉम सो गए क्या। ऑल राइट गाइस घर चलते हैं, एक मिनट मॉम अभी भी जगा है। अरे मॉम अभी आप क्यों जग रहे हो। अरे बेटा मुझे तेरी चिंता, मैं पूरा पागल हो रहा हूँ, तो कहाँ पे चला गया था बेटा, तुझे मैं बहुत ज्यादा हर जगह हर पल ढूंढता रहा बेटा, तू नहीं मिला।
अरे बेटा तू पहले से इतना कैसे बड़ा बन चुका है बेटा, राज क्या है? अरे तू सच में क्या गॉडजिला से मिला? गॉडजिला सबको अपग्रेड कर पाते हैं एक बार में? अरे मॉम आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे ना, गॉडजिला मेरे को सच में अपग्रेड कर दिया एक खतरनाक टाइप का लायन में। देखो मैंने उनका एक काम कर दिया, मैंने उनको एक खतरनाक टाइप का बॉक्स दे दिया, उसके बाद उसने मेरे को बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का अपग्रेड कर दिया और मैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने भी लगा हूँ। मैं तो मेरे मुल्क का राजा भी बनने के लायक बन चुका हूँ और मैं तो बहुत ज्यादा खतरनाक लायन भी बन चुका हूँ। गाइस मैं तो गॉडजिला से भी मिला हूँ और गॉडजिला से बात भी कर चुका हूँ। भाई अब तो मेरी बात हर लोग मानेंगे, क्यों गाइस मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। सो गाइस आपको वीडियो चला तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस आपको गॉडजिला पसंद है तो गॉडजिला कमेंट करना मत भूलना।